हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्नोआर। कैसे हो आप सब? पिछले वीडियो में आप लोग देखे थे सुपर रोड ट्रिप, जो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। जिन्होंने भी ये वीडियो नहीं देखा वो ये लिंक पे जाके क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं HP का ऑल इन वन प्रिंटर। लेकिन उससे पहले मैं बोलना चाहूँगा, चैनल में नए आने से सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं मैंने बॉक्स ओपन कर लिया और इसमें से निकाला पहले इसका इंस्टॉलेशन मैनुअल। और ये है इसका कार्टिज, एक ब्लैक कार्टिज और एक मल्टी कलर कार्टिज। पहला कार्टिज तो फ्री में ही मिला है। और ये है इसका USB केबल जो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होगा, इसके थ्रू ही प्रिंट कमांड आएगा। और ये है इसका पावर केबल। ये तो इनवॉइस है। तो चलिए आप निकलते हैं प्रिंटर को। फ्रेंड्स, ये प्रिंटर को मैं अमेजन से खरीदा था और इसका दाम आया था 2100 रुपये। और ये है HP DeskJet 2300 ऑल इन वन प्रिंटर सीरीज का सपोर्ट डॉक्यूमेंट। प्रिंटर बहुत ही अच्छा, बिल्कुल लैमिनेट होके आया था एकदम। अब देख पा रहे हैं कलर भी बहुत बढ़िया है। ये प्रिंटर का बटन से, ये है पावर जैक। तो अभी मैं इसमें कार्टिज डाल के दिखाऊंगा। चलिए देखते हैं कार्टिज कैसे डालते हैं। ये है ब्लैक कार्टिज। अब देख पा रहे हैं इसमें लिखा है, और इसमें एक छोटा सा कवर टाइप का था स्टिकर टाइप का, उसको हटाने के बाद ऐसा होगा। और ये सामने जो पड़ा है ये मल्टी कलर वाला कलर कार्टिज है, ट्राई कलर लिखा है इसमें। और इधर भी सेम एक स्टिकर टाइप का था, इसको उठा दिया। उठाने के बाद ये सेंसर दिख रहा है आपको। और ये उसका कार्टिज होल्स है, इसी में कार्टिज दोनों अटैच होगा। पहले ये मल्टी कलर वाला लेफ्ट साइड में जो है मल्टी कलर वाला, इसमें पहले घुसेगा। इसमें डायरेक्शन दिया हुआ है कैसे घुसाना है, तो ऐसे करके क्लिक सा साउंड होगा, उससे पता चलेगा कि कार्टिज अटैच हो गया। और ये हो गया ब्लैक वाला, इसका भी सेम है। ये घुसाने के बाद एक क्लिक साउंड आएगा, तब पता चलेगा कि ये अटैच हो गया। तो अभी मेरा दोनों कार्टिज अटैच हो गया। अभी इसको मैं पावर ऑन करूँगा। ये पावर बटन, इसको ऐसे ऑन करना होता है, जस्ट हल्का सा दबाने से ऑन हो जाएगा। उसके बाद कार्टिज थोड़ा देखिएगा, थोड़ा हिलेगा, एडजस्ट करेगा अपने आप को। तो देखिए ऐसे, हाँ ऐसे हिलेगा। तो अभी मैं डोर को बंद कर दूंगा। डोर को बंद करने के बाद अभी ये उसका हो गया स्कैनर वाला पोर्शन, जहाँ पर स्कैन और जेरोक्स हम कर सकते हैं। ये वाला, ये पेपर देख के रखा है, ये पेपर से मतलब थोड़ा अच्छा एडजस्ट होता है कुछ, ऐसा करके उसमें लिखा था। ये कार्टिज का इंडिकेशन लाइट, ये काला जेरोक्स, ये ब्लैक जेरोक्स, और से कार कैंसिल कर सकता है।
जो देख पा रहा है ये वाला कंप्यूटर के साथ अटैच है और ये वाला जैक जो है पावर जैक है। तो अभी हम लोग प्रिंट करके देखेंगे इस पेपर में कुछ प्रिंट करके। तो कागज़ डालने के लिए ये वाला जगह में कागज़ डालना पड़ता है, इसको ऐसे रेज करना पड़ेगा और इसको रेज करने के बाद इसमें पेपर डाल देता हूँ, ऐसे पेपर डालना पड़ता है। और इधर से आपको इसको थोड़ा सा हटाने से मतलब ओपन करना पड़ेगा तो पेपर सही सलामत रहेगा। कुछ तो में बंद करके एक बार दिखा देता है ऐसे ही आया था और एक पेपर हटा के इसको भी बंद करता हूँ। तो इसके बाद मैं कुछ प्रिंट करके दिखाऊंगा। ये मेरा बच्चे का कुछ प्रिंट करने दिया था, उसी को मैं प्रिंट करता हूँ। जस्ट PDF फॉर्मेट है, उसको प्रिंट करता हूँ। तो इसमें आपका ब्लैक प्रिंट होगा और इसको कलर में लाने के लिए इसको ऐसे कलर में क्लिक करके जस्ट प्रिंट कमांड दे देना पड़ता है। ऐसे प्रिंट देने से धीरे धीरे प्रिंट हो जाएगा। देखिए कैसे प्रिंट होगा। अभी प्रिंट का कुछ साउंड भी होता है, इसमें मैं पेपर पहले डाल दिया था तो अभी ये कलर प्रिंट होगा। कलर प्रिंट हो रहा है, देखिए बढ़िया कलर प्रिंट होता है। दूसरा बात है HP का जो सॉफ्टवेयर है आपका ड्राइवर सॉफ्टवेयर आपको साइट से डाउनलोड करना पड़ेगा, HP का साइट से डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करके कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद आप ये सभी चीज़ कर पाएंगे। स्कैन जेरोक्स तो आपका डायरेक्ट प्रिंटर से हो जाएगा। प्रिंट और स्कैनिंग के लिए आपको ड्राइवर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इंस्टॉल करना ज़रूरी है। इसका लिंक मैं फिर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आपको ये प्रिंटर अगर ख़रीदना है, अमेजन से मैं ख़रीदा था, इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। तो ये प्रिंट हो गया ब्लैक में। फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, तो कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा और कुछ पूछना है तो ज़रूर पूछिए। वीडियो में बहुत अच्छा नॉलेज मिला होगा आपको, इसको जितना हो सके मैक्सिमम शेयर कीजिए। कम से कम 1 मिलियन व्यूज आना चाहिए। और ड्राइवर सॉफ्टवेयर को अगर इंस्टॉल करने में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में पूछिए, तो मैं इसको लेकर एक नया वीडियो बना दूंगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नया वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।